सपा से अक्षय यादव जी फिरोजाबाद में चुनावी मैदान में हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं किस तरह से चुनावी कैंपेनिंग चल रही है और क्या क्या व्यवधान इनके बीच में आ रहे, क्योंकि उन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं। आज हम पहले जाने प्रेस कर दें, आप बताएंगे किस तरह से आपकी चुनाव कैंपेनिंग अभी चल रही है। चुनाव में हम लोग लगे हुए हैं, डोर टू डोर भी कर रहे हैं, प्लस नुक्कड़ सभाएँ कर रहे हैं, कुछ बड़ी सभाएँ भी कर रहे हैं और बड़ा अच्छा कैंपेन हम लोगों का चल रहा है इस समय। अभी आज आपने कुछ आरोप लगाए हैं कि प्रशासन आपको रोक रहा है, किस तरह से रोक रहा है, क्या आरोप है? देखिए, फिरोजाबाद के अंदर भाजपा के होर्डिंग लग गए थे 15-20 दिन पहले। उनके जब होर्डिंग लगे उसके बाद से हम लोगों की कोशिश रही कि फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के, इंडिया गठबंधन के भी होर्डिंग लग सकें। उसके लिए जहाँ पर भी होर्डिंग लगते हैं उसके लिए एक सहमति चाहिए होती है जिसके होर्डिंग होते हैं। यहाँ पे नगर निगम के ने ठेका खुशीराम करके एक ठेकेदार हैं उनको दिया हुआ है। वो खुशीराम शुरू में तो कहते रहे कि हम आपको सहमति पत्र दे देंगे, कौन सा यूनिपोल आपको चाहिए लगाने के लिए। जब उनसे कहा आप इस पोल का दे दो, उसका दे दो, उसके बाद उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। हमको 10 तारीख से हम लोग लगे रहे, यूनिपोल की किसी की भी सहमति पत्र नहीं दी। उसके बाद 21 तारीख को हम लोगों ने जो जिलाधिकारी महोदय, उनको जिलाध्यक्ष जी ने हमारे ने एक पत्र लिखा जिसमें कहा कि पक्षपात की वजह से समाजवादी पार्टी को होर्डिंग लगाने की परमिशन नहीं हो पा रही, क्योंकि सहमति पत्र नगर निगम ने जिसको ठेका दिया वो नहीं दे रहा, उनसे हमको सहमति पत्र दिलवाने की कृपा करें जिससे एक निष्पक्ष चुनाव हो सके। लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, मजबूरन आज हमें जो मीडिया के साथ ही उनको ये बात बतानी पड़ी। अब योगी जी आज से हैं, उनकी रैली है, क्या देख रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ने वाला है इससे? इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। माहौल समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का है और फिरोजाबाद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार माहौल गठबंधन का है। अच्छा, एक चीज़ और, आपके ऊपर बराबर से एक आरोप लग के आ रहा है कि आप बाहरी प्रत्याशी हैं, किस तरह से आप बाहरी प्रत्याशी हैं, ये मैं जानना चाहूँगा। देखिए, जो लोग ऐसा आरोप लगाते हैं वो अल्प ज्ञान में है। इटौली हम लोग का पैतृक गांव है, सिकवाबाद विधानसभा में आता है ये। वहाँ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय श्री मुलायम सिंह यादव जी चुनाव लड़े थे और वहाँ से विधायक भी रहे हैं। मैं यहाँ से 2014 में सांसद रहा, उसके बाद से मेरा यहाँ आवास है। लगातार मैं फिरोजाबाद रहता हूँ, सैफई कम रहता हूँ। उसके बाद अगर कोई कह रहा है कि मैं बाहरी हूँ तो उसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है उसको। चौधरी बशीर बसपा से आ गए, पहले कोई और थे, तो क्या प्रभाव डाल रहे हैं आपके? आपने पिछला जो सवाल पूछा था, ये आरोप उनके ऊपर क्यों नहीं लगा रहे हैं जो मेरे ऊपर लगा रहे हैं बाहरी होने का? हाँ, क्योंकि वो पिछली बार भी लड़े तब भी किसी ने नहीं लगाया, इस बार भी लड़ रहे उन पर आरोप कोई नहीं लगा रहा है। लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी जीत रही है तो उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और बशीर साहब पिछली बार भी यहाँ चुनाव लड़े थे, उनको 2040 या कुछ वोट मिला था जो नोटा से दुगना कम था। नोटा का जो वोट था वो 6000 के ऊपर पड़ा था। और इस बार हम लोग ये मान रहे हैं कि पिछली बार निर्दलीय थे तो 2000 मिला था, इस बार बसपा के साथ हैं तो 6-7 हज़ार वोट उनको मिल जाएगा। अच्छा, क्या माना जाए, फिरोजाबाद से कितने मतों से आपकी जीत हो रही है? फिरोजाबाद लोकसभा से हम लोग 2 लाख से 4 लाख के बीच में हम लोग की जीत होगी। ये थे हमारे साथ अक्षय यादव जी, जो बता रहे थे किस तरह से प्रशासन इनके ऊपर रोक लगा रहा है और अपने प्रयास से ये बिल्कुल कर रहे हैं और 2 लाख वोटों से जीतने का दावा भी साथ ही साथ कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।